और इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है और उनसे बात की है हमारे सहयोगी सुभाष शर्मा ने। मौजूद है ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा, जो एसआईटी की गठित हुई है, टीम के गठन किया गया है, क्या है, कैसे है, इस पूरे की जांच कैसे होगी, काम्या मिश्रा जी हमें बताएंगे। काम्या जी बताइए कि आपको जिम्मा सौंपा गया कि जांच का, क्या कौन कौन टीम में कौन कौन है, किस तरह से आप जांच कर रहे हैं? एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम, सारे लोग आ चुके हैं, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया है, जैसे भी एविडेंसेस वो लोग कलेक्ट करें और जो जो चीज़ हमारे पास सामने आ रही है उसके बेसिस में हम लोग जो है अपना अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसे हमारे पास कोई पुख्ता प्रॉपर डिस्क्लोजेबल अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है वैसे ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। काम्या जी ये बताइए कि प्रथम दृष्टि आपने जो जाँच की, डॉग स्क्वाड आया है, क्या लग रहा है कि आखिर निर्मम हत्या क्यों की गई? स्टैब करके जो है डेथ का जो है वो लग रहा है, रीजन वगैरह हम आपको जैसे हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस आ जाते हैं उसको संधारित करते हुए सारी चीजें आपके सामने हम प्रस्तुत। क्या पुलिस को कहीं कुछ मिला है, क्लू मिला है कुछ, कहीं बिंदु? कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कई सारे क्लू मिल रहे हैं, लगातार उस पर काम किया जा रहा है, जैसे कोई पुख्ता चीज आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो एसआईटी चीफ की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि अभी तक इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है। इधर बिहार में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद राजनीति इस पर इस वक्त जोरों पर है। आरजेडी और कांग्रेस सरकार पर जंगल राज का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत है, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी, जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। ये मैं दुख जताता हूँ और इतना जरूर कहूँगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं पकड़ने का संकल्पित है। दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।